सबसे पहले शुरुआत करें, संभाग स्तर की बात करते हैं कि संभाग पर किस क्या स्थिति, क्योंकि खंडवा में मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं देखिए, खंडवा में भी पिछले दो दिन से उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई मरीजों की संख्या में। हमारे यहाँ खंडवा, खरगोन और बड़वानी, इन तीन जगहों पे ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें पेशेंट हिस्ट्री बड़ी क्लियर है कि कैसे कोई हुआ। जैसे बड़वानी में बात करें तो एक फैमिली है जो कि फॉरेन ट्रेवल से आई थी, उमरा करके यूएई से आई थी, उसी फैमिली के 13 लोग पॉजिटिव। दूसरा जो उसमें पॉजिटिव आए हैं वो हेल्थ विभाग के CMHO और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ आए हैं जो कि इन फैमिली को ट्रीट किया था जिन्होंने। तो वहाँ पे पेशेंट चेन बड़ी क्लियर है कि ये दो प्रकार की चेन केवल हुई है, और जो ये फैमिली थी इनको पूरा लॉकडाउन और पूरा उस एरिया को लॉकडाउन किया हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि वहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत कम है उसमें, और ये कंट्रोल रहेगा और सभी मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं वहाँ पे। उसमें से आधे मरीज हमने वहीं पे इलाज कर रहे हैं रख के बड़वानी में, उनको यहाँ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको। दूसरा जहाँ तक खंडवा की बात है, खंडवा में ये जो मेन आया है ये तबलीगी जमात के कुछ लोग वहाँ की मक्का मस्जिद में रुके हुए थे। मक्का मस्जिद में जो रुके हुए थे वहाँ पर कुछ लोग पॉजिटिव आए, और उनके साथ वहाँ जब नमाज अटेंड करने वाले कुछ लोग को CCTV फुटेज से निकाला गया, उसमें से लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें। दूसरा एक फैमिली वहाँ पे भी ऐसी रही है जो कि फॉरेन ट्रैवल, उमरा वाला ट्रैवल जो UAE का होता है, वो उमरा करने गए थे, दूसरी फैमिली वो पॉजिटिव आई है वहाँ पे। एक केस वहाँ पे ऐसा आया जो कि इंदौर ट्रैवल से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं निकला उसमें, और उसके भी पूरे प्राइमरी कॉन्टैक्ट के सैंपल ले लिए जो कि निगेटिव आए हैं। तो खंडवा में भी कोई ऐसी विशेष वो नहीं लग रही कि कोई संक्रमण की स्थिति है, उसके क्लियर कट ट्रैवल हिस्ट्री और कारण है जिसके कारण उसमें केसेज आए। इसके बाद तीसरा जो मैं जैसा बताया कि खरगोन है हमारे यहाँ, खरगोन में हमारे यहाँ अभी तक 35 केसेस हुए हैं। वहाँ पे भी एक फैमिली जो एक नूर मोहम्मद की फैमिली थी जो कि बेसिकली तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, जो डरबन गया था पहले, डरबन से दिल्ली मरकज़ गया, अधिकांश लोग तो उसकी फैमिली के हैं। एक फ्रांस का बैंकर था जिसने बहुत अच्छा अभी तक आदर्श रूप से उसने होम क्वारंटीन अपने किया था, तो उसकी फैमिली में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, वो अकेला पॉजिटिव आया, वो स्वस्थ भी हो गया है। इसके अलावा वहाँ पे उमरा की फैमिली से एक और केस है जिसमें हुआ है, और वहाँ पे दो केसेस ऐसे आए हैं जो कि इंदौर से जुड़े हुए हैं। एक सैफी होटल से जुड़ा हुआ है जो अपना जवाहर मार्ग में है, और दूसरा एक लड़की का जो कि अब नेगेटिव उसका पहला सैंपल आ चुका है, अब ट्रीट हो गई है वो उसके फैमिली में एक ने ट्रैवल किया था उससे उसको मिला। तो वहाँ पे भी ट्रैवल हिस्ट्री और कारण बिल्कुल क्लियर कट ट्रेस हुए हैं, और उसमें ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, और उनको जो कारण है उन कारण को और जिससे उस कारण से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको पूरी तरह से क्वारंटीन और आइसोलेशन में कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन ज़िलों में अब कोई ऐसी विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का अगर कोई फैमिली वाले अगर निकल आए उन्हीं से जुड़े हुए, तो उसके अलावा कोई संभावना नहीं दिखती है। देखिए, हमारे जितने पॉजिटिव केसेस हैं ये सब हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। अब हमने कोविड केयर सेंटर्स भी कुछ नोटिफाई किए हैं, उनमें भी हैं और कोविड हॉस्पिटल्स में भी हैं। इसमें हर हॉस्पिटल में हर पेशेंट की अपन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, उसमें कौन से क्रिटिकल हैं उसमें। और अब क्रिटिकल पेशेंट की संख्या जो पहले काफ़ी रहती थी अब बहुत कम हो गई है। कम से कम आज की डेट में जैसे बात करें, करीब 4 या 5 क्रिटिकल हैं केवल उसमें, बाकी सभी लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। आज हमारे पास 25 सैंपल करीब हम वो जाँच कर रहे हैं जिनका एक निगेटिव ऑलरेडी आ चुका है, मतलब वो पहले पॉजिटिव थे, एक निगेटिव आ चुका है, दूसरा निगेटिव आज आ जाएगा तो हम उनको डिस्चार्ज करने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी फर्स्ट निगेटिव वाले भी हमारे सैंपल्स करीब आज 40 टेस्ट हो रहे हैं जिसमें हमको संभावना है कि वो निगेटिव आएंगे तो हम उनको भी डिस्चार्ज करने की स्थिति में आएंगे। तो अब हम लोग एक ये भी जैसा कई हेल्दी मरीज हो गए हैं उसमें, जो लोग मरीज थे पहले और वो बिल्कुल क्लियर कट हेल्दी दिख रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में भी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रतिदिन करीब हमारे जो लोग डिस्चार्ज होते जाएँ जो दो सैंपल निगेटिव आने के बाद, और उसको पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी हमारा उससे घटाव होगा। जैसे अभी तक हमारे 37 हो चुके हैं, वो 37 एक तरह से हमको जो हम टोटल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बता रहे हैं उसमें 37 माइनस हो चुके हैं आज की डेट में, हमारे पास वो पॉजिटिव नहीं बचे। इसी प्रकार जो जैसा मैंने बताया, एक सैंपल नेगेटिव हुआ, आज उनका सेकंड सैंपल नेगेटिव आता है, हमको डिस्चार्ज करते हैं, तो वो भी पॉजिटिव मरीजों से माइनस हो जाएंगे वो। तो उस दिशा में भी हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जिनको डिस्चार्ज किया उनको होम क्वारंटीन हम लोगों ने किया है, और उनको बताया है कि आपको होम क्वारंटीन में अपने घर में भी मास्क लगा के और प्रॉपर उनको पूरा एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं उसमें, और उनको होम क्वारंटीन वाले प्रोटोकॉल से मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर कबीर जो टीवी वार्ड में थे, उन्होंने अपना सैंपल कराया, उसके बाद भी वो वहाँ पे ड्यूटी करते रहे, उसके
उसके बाद जो सुखाया में रहे जहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर, नहीं देखिए एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सिम्टम्स के बिना जो आप बता रहे हैं टीबी हॉस्पिटल उनका तो नहीं पता। दीन का जहाँ तक मुझे बात है कि उनके बाद कई बार उनको मीटिंग में खांसी आते हम लोग को दिखी थी, कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं था, लेकिन चूंकि एक मीटिंग में और बहुत सारे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो एक रिस्क भी हो जाता है कि और लोग भी कहीं उसमें ना हो जाए, इसलिए वो सैंपल कराया गया था उसमें। इसके अलावा चूंकि ये समय ऐसा है कि सबको लड़ाई में जुटे रहना है, हम लोग कोई भी अपने सैंपल्स नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको अभी उसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग बस पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि ना हमको संक्रमण मिले कहीं से, ना हम किसी को संक्रमण दें, इसीलिए हम लोग पूरे समय मास्क लगा के ताकि हमारा कोई फ्लूइड बाहर जाके किसी को संक्रमित ना करे, ये पूरा प्रयास करने में हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो बात आपने कही, हम लोग बिना लक्षण के, हमने भी सभी को इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई सैंपलिंग अनावश्यक नहीं कराई जाए उसमें, और उसको पालन करेंगे। देखिए इंदौर में मैं दो तीन बातें क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो जो अभी दिल्ली की लैब से सैंपल की रिपोर्ट, करीब 1000 सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई है, वो सैंपल थे जो करीब 8 से 8-10 दिन पुराने सैंपल्स थे। उस समय हमारे यहाँ वायरस का संक्रमण का पीक भी चल रहा था कहीं ना कहीं, और उस समय के वो सैंपल हैं और वो पॉजिटिव आए हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग को अब ये पूरा विश्वास है कि हम लोग लगभग उस पीक को क्रॉस कर चुके हैं और अब हमारे यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। वैसे भी जितने भी हमारे सैंपल्स में, तो संख्या में हम बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग प्रदेश देश में सेकंड सबसे ज़्यादा सैंपल लेने वाले शहर के रूप में हैं। जयपुर थोड़ा सा हमसे आसपास ही है, जिसको हम क्रॉस भी कर जाएंगे आजकल में। उसमें एक तो सैंपल्स हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं, दूसरा हमने जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो उनके फैमिली वाले हैं, उनके बिल्कुल क्लोज लोग हैं, उनके लिए, तो क्वालिटी ऑफ सैंपल भी हमारे ऐसे जिसमें संभावना थी पॉजिटिव आने के, उन कारणों से हुआ। अब हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के हम लगभग पूरे सैंपल ले चुके हैं, हाँ वो बचे नहीं हैं सैंपल करने के लिए, क्वारंटीन सेंटर से भी ले चुके हैं। तो कुल मिला के अब ये पूरी संभावना है कि अब हमारे यहाँ सैंपल्स का डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। जो पॉजिटिव आए हैं उनमें भी अब क्षेत्र का फैलाव काफ़ी रुक सा गया है, अब केवल जो पुराने क्षेत्र हैं उन्हीं में ही पॉजिटिव केसेज जो आए हैं। तो अब हमको विश्वास है कि काफ़ी हद तक स्थिति अगले 2-3 दिनों के अंदर हमको लगता है काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड अपने को देखने को मिलेगा, और इसमें नियंत्रण की स्थिति रहेगी। इसमें पैनिक की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और इसमें जैसा प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग किसी प्रकार की दुकानें नहीं खोल रहे हैं, इवन किराना शॉप्स तक हमने बंद करके रखी हैं, और जनता उसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। लेकिन जनता ये विश्वास रखे कि हम लोग बहुत जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ, और जो ये पॉजिटिव आने की संख्या में गिरावट की तरफ बहुत जल्दी जाएंगे। सर,